नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है कामवारी नदी। हालांकि कामवारी नदी बियोंडी की तरफ भी बहुत ज़्यादा चौड़ाई है, मगर देख रहे होंगे पीछे बिल्डिंगें बनी हैं और शेलार ग्राम पंचायत मेरे पीछे है। अगर उसको देखेंगे तो उसकी भी यही हाल है, मगर अतिक्रमण कब्जा जैसे आमतौर से पूरे देश में हो रहा है तो हमारे यहाँ बियोंडी में भी हो रहा है। बहरहाल कामवारी नदी की बात करते हैं। कामवारी नदी की साफ़ सफाई स्वच्छता अभियान जो है उसके लिए प्रयास पहले भी हुआ है मगर कभी काम नहीं हुआ है। तो ये कामवारी नदी की असल में ये हालत है। ये बांध बंधा हुआ है और उसके बाद यहीं से ये ठाणा की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब नदी की हालत को अगर देखेंगे तो ये आसपास जितना हुआ है ये 110% अतिक्रमण है, 100% नहीं अतिक्रमण है नदी में। और लोगों ने बिल्डिंगें बनाई और अपनी ड्रेनेज लाइन जो है इसी नदी में भी छोड़ दिया है। हालांकि नदी बियोंडी शहर से लगकर बहती है, इसका अगर सही से उपयोग किया जाता तो बियोंडी शहर के विकास में काम भी आता, मगर यहाँ विकास तो पता नहीं, विनाश ही विनाश है बियोंडी शहर में। और ग्राम पंचायत की जो बात हो रही थी आपने इससे पहले जो वीडियो देखा था, बहरहाल कुछ लोग इसका अभियान चला रहे हैं कि इसकी साफ़ सफ़ाई, इसकी डीप यानी गहराई का काम भी हो जाए और सुशोभीकरण का काम हो जाए। और इसी प्रोग्राम को लेकर मैं खुद बियोंडी से कार्यालय तक दिल्ली जाकर आया हूं और इसकी मैंने मांग भी की है कि कामवारी नदी पर सरकार यानी केंद्र सरकार ध्यान दे। राज्य सरकार का तो खैर कहीं पता नहीं है, वो अपनी कुर्सियां बचाने में ही परेशान है। ना महाराष्ट्र में इलेक्शन का पता है, ना विकास का पता है, और सही मानों में विनाश का ये मामला जो आप देख रहे हैं यही है। मैं शिवम झा के साथ